ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री कृष्ण को समर्पित भजन सांबरा 10 अगस्त को रिलीज होने जा रहा है, जिसने हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध भजन गायक अभिषेक सोनी अपनी आवाज दी है। भक्ति श्रद्धा और समर्पण भाव से भरे इस भजन के टीचर और पोस्टर को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। भजन को 10 अगस्त को शाम 5 बजे बैरवी स्टूडियो के यूट्यूब चैनल से लॉन्च किया जाएगा। श्री कृष्ण को समर्पित भजन सांबरा 10 अगस्त को रिलीज होने जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध भजन गायक अभिषेक सोनी ने अपनी आवाज दी है। भक्ति श्रद्धा और समर्पण भाव से भरे इस भजन के टीजर और पोस्टर को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। भजन को 10 अगस्त को शाम 5 बजे बैरवी स्टूडियो के यूट्यूब चैनल से लॉन्च किया जाएगा। शुक्रवार को बिलासपुर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए भजन गायक अभिषेक सोनी ने बताया कि भजन को प्रसिद्ध संगीत निर्देशक परमजीत पम्मी ने संगीतबद्ध किया है, जबकि वीडियो का निर्देशन अभिषेक डोगरा ने किया है तथा कैमरामैन नवल किशोर रहे। भजन में बिलासपुर की बाल कलाकार सृष्टि शर्मा बाल कृष्ण रूप में नजर आएंगी। उन्होंने बताया कि इस भजन को बिलासपुर के अलग अलग जगहों पर शूट किया गया है। हालांकि इस भजन को पहले वृंदावन में शूट किए जाने की योजना थी, लेकिन बिलासपुर को प्रमोट करने के उद्देश्य से सांबरा की टीम ने इसे बिलासपुर में ही शूट करने का निर्णय लिया। इस भजन के माध्यम से बिलासपुर की हसीन वादियां और खूबसूरत नजारा भी देश दुनिया के लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इस अवसर पर निशांत कपूर, जावेद इकबाल, नवीन सोनी, पंकज कुमार व रामहरि आदि मौजूद रहे। सांबरा भजन के टीजर को पंजाबी और हिमाचली गायक भी पसंद कर रहे हैं। प्रसिद्ध पंजाबी गायक लखविंदर बड़ाली आवाज पंजाब दी फेम कुमार साहिल, नाट्यकिंग कुलदीप शर्मा व हिमाचल गायक काकू राम ठाकुर सहित कई संगीत जगत से जुड़ी हस्तियों ने भजन के टीचर को जमकर तारीफ की, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं। यानी कल हमारा भजन आ रहा है सांबरा, जो श्री कृष्ण जी को समर्पित है। जन्माष्टमी को लेकर विशेष रूप से ये भजन तैयार किया गया है। हालांकि इस भजन को शूट करने की प्लानिंग ये थी हमारी कि हम लोग इसको वृंदावन या कहीं बाहर शूट करते, लेकिन हम सब जो टीम है हमारी, उन्होंने डिसाइड किया कि बाहर जाने के बजाय क्यों ना यहीं बिलासपुर में इसको शूट किया जाए, क्योंकि बिलासपुर में बहुत सी अच्छी लोकेशंस हैं और आप भजन जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर पंजाबी और बॉलीवुड के लोग भी अगर यहाँ पे आएँ तो उन्हें बहुत अच्छी लोकेशन मिल सकती है, क्योंकि यहाँ की साइट बड़ी अच्छी है। हालांकि इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता, हमारी कोशिश यही रहेगी हम बिलासपुर इस भजन के माध्यम से बिलासपुर की लोकेशंस और बिलासपुर की जो जगहें हैं उनके बारे में भी लोगों को बताएं। इस भजन का म्यूज़िक जो परमजीत पम्मी जी ने किया है और डायरेक्शन अभिषेक डोगरा जी की है। भजन बहुत अच्छा बना है, सब लोगों की बड़ी अच्छी फीडबैक आई है, लेकिन अब कैसा रहता है रिस्पॉन्स तो लोग बताएंगे। लेकिन मैं आप सभी से ये उम्मीद करूंगा कि आप इस भजन को देखें, सुनें और जितने भी लोग हिमाचल में काम कर रहे हैं भजनों को लेकर या शूट करते हैं वो भी ज़रूर बिलासपुर आएँ, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी लोकेशन है, आपको बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पर काम करके।